हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो जो कि टैली आरपी 9 की है, इस वीडियो में मैं एक कमेंट आया हुआ है मेरे को, यूएई से कमेंट आया हुआ है ये, और ये इनका नाम है फैजल फिरदौस। तो इन्होंने कमेंट में पूछा है कि सर आप इंडिया में रहते हो तो आप जीएसटी इनेबल कर लेते हो, जीएसटी लगा लेते हो, हमारे यहाँ वैट होता है, यूएई में वैट चल रहा है, जीएसटी यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो हम वैट में कैसे एंट्री कर पाएंगे, इन सब के बारे में हमें बताइए। और साथ ही साथ इन्होंने पूछा है कि सिंगल एंट्री मोड में भी काम करना बताइए, क्योंकि डेबिट कार्ड का झंझट नहीं रहता है, तो सिंगल एंट्री मोड ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड की ही बात करूंगा मैं, ठीक है, और आगे चल करके आगे की वीडियोज में जो वैट है उसको भी और ज्यादा क्लैरिफाई करूंगा। तो चलिए यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, चूंकि पहली एंट्री है तो हम चलेंगे रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए F6 प्रेस करेंगे। अब देखिए ये सिंगल एंट्री है, सिंगल एंट्री कैसे पता चलेगी, F12 की प्रेस कीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट ऑब्लिक रिसिप्ट ऑब्लिक कंट्रा वाउचर्स, ठीक है, तो इसको यस कर दिया गया है, ठीक है। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर जब आइएगा, ये देखिए यहाँ पर यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू ऑब्लिक बाई ड्यूरिंग एंट्री, तो इसको नो किया गया है, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट को नो ही रखना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, तो ये इस तरह का मोड आ जाएगा आपके सामने। अब ये सिंगल एंट्री मोड है, ठीक है। अब रिसिप्ट वाउचर में हम क्या रिसीव करा रहे हैं, कैश रिसीव करा रहे हैं, तो ये कैश यहाँ पे डाल दिया हमने। अब ध्यान रखिएगा 10,000 रुपए अमाउंट डाल रहा हूं यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट का लेजर हम पहले ही बना चुके हैं, सी प्रेस करेंगे, यहाँ कैश हो गया और कैपिटल अकाउंट हम लोग पहले ही बना चुके हैं, तो यहाँ सी प्रेस करेंगे, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, 10,000 रुपए हम रिसीव करा रहे हैं, ठीक है। एंटर प्रेस किया, नरेशन नहीं डाल रहा हूं, अब डाल सकते हैं। अब यहां पर आएंगे, इस एंट्री को कहां देखेंगे, यहां पे जाके देख सकते हैं, ये हमारी एंट्री है, 10,000 रुपए हमने रिसीव करा दिया कैश। अब आएंगे कहां, परचेज वाउचर में, परचेज वाउचर में चलते हैं, वी प्रेस करता हूं और परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस कर सकते हैं आप। यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा, जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो मैं डाल रहा हूं 1000, ठीक है, ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, ये डेट है जिस डेट पे ये खरीदारी होगी। तो यहां क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉक आइटम जो हमने क्रिएट किया होगा, कीबोर्ड ले लिया हमने, तो कीबोर्ड के 70 आइटम ले लिए, ठीक है, 70 आइटम, कितने कीबोर्ड के आइटम, 80 रुपए के हिसाब से 70 आइटम हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ये खरीद रेट है। फिर यहाँ पे माउस की बात कर लेते हैं, तो माउस कुल मिलाकर के 80 आइटम हम परचेज कर रहे हैं और एक की कीमत 60 रुपए पड़ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद माइक्रोफोन की बात करेंगे, तो ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन हमें पड़ रहा है 150 रुपए का, तो ये हमने 150 डाल दिया, और मतलब 150 आइटम हम परचेस कर रहे हैं माइक्रोफोन के, और ये पड़ रहा है हमें 170 रुपए का, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के हमने ये खरीदारी कर दी, ठीक है, या न्यू रेफरेंस करेंगे, मेंटेन बिल बाय बिल इसको चालू रखा है, आप चाहे तो नरेशन भी डाल सकते हैं। अब ये एंट्री यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमारे पास कुल मिलाकर 10,000 कैश था, लेकिन हमने कितने की खरीदारी कर ली, 35,900 रुपए, लेकिन हमने ये खरीदारी क्रेडिट पे की है, ठीक है, अभी हमने पेमेंट नहीं किया इसका। तो चलते हैं अब इसका पेमेंट करते हैं, जिस भी डेट में आप पेमेंट करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे चूज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम सेम डेट रखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कैश कर देंगे, कैश कर दिया, ठीक है, कुल मिला के कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पे शो करेगा, 10,000 रुपए अवेलेबल है वो शो कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी जो भी होगी वो आ जाएगा, तो यहाँ पे दुर्गेश क्रेडिटर मैंने बना रखा है। यहाँ पे देखिए कुल मिला के 35,900 पेमेंट करना है। अब जैसे ही 35,900 पेमेंट करने की कोशिश करूंगा मैं, तो यहाँ पे कैश जो है रेड में शो होने लगेगा, ये देखिए अगेंस्ट रेफरेंस किया हमने, अब यहाँ पे ये बैलेंस रेड में शो हो रहा है। रेड में शो होने का मतलब 25,900 आप माइनस में जा रहे हैं, आपके पास 25,900 और कैश चाहिए, तब कहीं जाकर के इसका पेमेंट आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बाहर आ जाते हैं, अब हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे रिसिप्ट वाउचर में, F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। यहां पर कैश रिसीव कराना है, कैश यहां पे किया हमने, ठीक है, एक लिया हमने, ठीक है, और यहां पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो ये दुर्गेश क्रेडिटर हम कर लेंगे। एंटर प्रेस किया, तो कुल मिलाकर के 35,900 हमें पेमेंट करना है, तो अगर 35,900 हम यहां डालते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहां अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, और कुल मिलाकर शॉर्टेज पड़ रहा है 25,900 रुपए का, तो 25,900 हम कैश रिसीव करा रहे हैं केवल, ठीक है। तो यहां पर जाकर के F6 प्रेस करके 35,900 रिसीव करा देते हैं, तो यहां पे कैश आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, यहां पे कर दिया 35,900 हम रिसीव करा रहे हैं कैश अपनी कंपनी में, ठीक है, एक्सेप्ट करा लिया, नरेशन आप डाल सकते हैं। यहां पर आ गए, अब यहां पर आने के बाद क्या करना है आपको, पेमेंट वाउचर में चलना है, वी प्रेस करते हैं और F5 प्रेस करते हैं, तो पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, कैश कर दिया हमने।
अब यहां पर जिस भी पार्टी को पेमेंट करना है वो पार्टी का नाम आ जाएगा, जैसे दुर्गेश क्रेडिटर है तो इसी पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं। तो कुल मिला के कितना पेमेंट कर रहे हैं, 35,900 बकाया है, पूरा पेमेंट कर देते हैं। तो ये हमने ऐसे कर दिया और इंटरफेस करते हुए अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे 1000 नंबर का जो सप्लायर का बिल था उसी के अगेंस्ट ये पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया, अब ये कैश हो गया और यहाँ से क्रेडिटर पार्टी का लेजर उठाएंगे तो इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जीरो बैलेंस शो करेगा, ठीक है। तो ये जीरो शो कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये जीरो क्यों शो कर रहा है और कितनी आसानी से आप सिंगल एंट्री मोड में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब सेल करने की बारी है, उसी चीज को हम सेल करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, ठीक है। और सेल्स वाउचर में जाने के लिए F8 प्रेस करना है आपको। यहाँ पर रेफरेंस नंबर आ जाएगा 7000, ठीक है। यहाँ पे 7000 रेफरेंस नंबर हमने डाला है और इस बार हम डेटर पार्टी लेंगे। यहाँ पे डेटर पार्टी को लेने के बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर सेल्स अकाउंट आ जाएगा। अब कीबोर्ड की बात करेंगे तो कीबोर्ड के 70 आइटम है, ठीक है। हम यहाँ पे 70 आइटम सेल कर रहे हैं। रेट क्या रखना है हमें, कीबोर्ड हम रेट रखेंगे, सेल करेंगे 150 रुपए में एक, ठीक है। इसी तरह से माउस का रेट, तो यहाँ पे माउस का रेट भी ले लेते हैं। ये माउस हम कुल मिलाकर के जो भी आइटम हमारे पास है, तो जैसे मान लीजिए 50 आइटम हम सेल कर रहे हैं और एक माउस की कीमत रखेंगे हम 140 रुपए, ठीक है। एंटरप्रेस किया और माइक्रोफोन भी हम सेल करते हैं, यहाँ से माइक्रोफोन 150 है हमारे पास कुल, तो हम 150 माइक्रोफोन सेल कर देते हैं और एक की कीमत रखेंगे 250 रुपए, ठीक है। एंटरप्रेस किया और ये सेल कर दिया। हम यहाँ पे CGST SGST नहीं इनेबल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कहना यही है कि CGST SGST हमारे यहाँ यूज नहीं होता, तो मैंने इनेबल नहीं किया है। तो ये हो गई एंट्री पूरी। अब ये जो सेल किया ये भी तो क्रेडिट पे सेल हुआ है, ठीक है, इसका पेमेंट भी तो करना है। ये देखिए, ये जो क्रेडिट पे सेल हुआ है उसका यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं, प्रिंट निकालना है, अल्ट के साथ पी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं प्रिंट नहीं निकाल रहा, बाहर आता हूं। यहां पर आने के बाद इसका अब हमें रिसीव करना है कैश, जो भी पार्टी पेमेंट करेगी उसका कैश रिसीव करना है। तो F6 प्रेस करेंगे, यहां पर आ जाएगा कैश, आ गया। अब यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, डी प्रेस करता हूं, ठीक है। तो सुनील डी आ रहा है, इन्हीं का ये बकाया है कुल मिलाकर के 55,000 रुपए, ठीक है। तो यहां 55,000 रुपए अगेंस्ट रेफरेंस कर दिया हमने और यहाँ पे 55,000 रुपए पेमेंट भी हमने कर दिया। तो ये देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने पेमेंट भी कर दिया, कैश रिसीव भी कर लिया और सिंगल एंट्री मोड में काम करते हुए। तो उम्मीद करता हूं इससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।